चिरंजीवी योजना से हो रहा इलाज, ना ही लाने रोकड़े और ना ही देना ब्याज, खर्चा खुर्चा कुछ ना होवे बात बड़ी, अस्पताल का खर्चा है ना बात बड़ी। राजस्थान में रौनक चौगुनी, चत राहत बढ़त की राजुनी, राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन संकल्प महासभा में प्रदेश भर से लाखों की संख्या में लोग जयपुर के दादिया सभास्थल पहुंचे। इस परिवर्तन संकल्प महासभा में खास बात ये रही कि पंडाल की तमाम व्यवस्थाओं का जिम्मा महिलाओं ने संभाला, जिसमें पेयजल व्यवस्था सहित भोजन, बैठक व्यवस्था सहित पार्किंग के लिए भी महिलाएं ही मुस्तैद रहीं। सभा में प्रदेश के कोने कोने से आई महिलाओं ने आभार मोदी जी के स्टिकर लगाए हुए थे। महिलाओं में एक खासा उत्साह और जोश भी सभा में देखने को मिला। परिवर्तन संकल्प यात्रा की सफलता से उत्साहित भाजपा के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में शहर, गांव और ढाणियों से सुबह से ही सभा स्थल पर पहुंचने लगे थे। दोपहर करीब 2:15 बजे पीएम मोदी धानक्या पहुंचे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के उपलक्ष में उनकी विशाल प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर महिलाओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए सभा स्थल के बीच से सीधे मंच पर पहुंचे। इस दौरान महिलाओं ने पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन और स्वागत किया। इस दौरान नारी शक्ति वंदन के तहत मंच संचालन भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सांसद दिया कुमारी और भाजपा की राष्ट्रीय सचिव डॉ. अलका गुर्जर ने किया। भाजपा परिवर्तन संकल्प महासभा के दौरान मंच पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, सांसद बाबा बालकनाथ, रंजीता कोली, सुखबीर जौनपुरिया, जसकौर मीणा, रामचरण बोहरा, भागीरथ चौधरी, पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, सुमेधा आनंद सरस्वती, कनकमल कटारा, राजेंद्र गहलोत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजय पाल सिंह, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, महापौर सौम्या गुर्जर, जिला अध्यक्ष राघव शर्मा, राजेश गुर्जर, श्याम शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष सुनील कोठारे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऐतिहासिक निर्णय के बाद ऐतिहासिक व्यक्तित्व का ऐतिहासिक धरा पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमें गर्व है कि मातृ शक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल पारित कराया। हमारी सनातन संस्कृति में तो पहले से ही सीताराम, लक्ष्मी नारायण और गौरी शंकर के नाम से नारी को प्रथम पूज्य माना गया है। गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद का शुभारंभ किया और लंबे समय से अटके हुए ऐतिहासिक 33% आरक्षण वाले महिला बिल को पारित कराया। विश्व की 85% GDP का नेतृत्व करने वाले देशों की G20 सम्मेलन में अध्यक्षता का गौरव दिलाया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने आगे कहा कि आज का दिन विशेष है, आज तेजादशमी है, आज रामदेव जयंती है, आज जल झूलनी ग्यारस के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश की महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में यहां आई हैं, इन्हें देखकर हमारा गौरव बढ़ रहा है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 2023 में राजस्थान में कमल खिलेगा और 2024 में प्रदेश की सभी 25 सीटें भाजपा के खाते में डालकर आपके पास भेजेंगे। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा ने राजस्थान में ऐतिहासिक संदेश दिया है। जयपुर में मैंने एक होर्डिंग देखा जिसमें गहलोत सरकार विजन 2030 के लिए जनता से सुझाव मांग रही है। जनता ने इसे नकार दिया और कहा कि गहलोत जी आपसे नहीं हो पाएगा, आप घर बैठिए, हमें महिला, दलित, किसान, युवा का शोषण करने वाली सरकार से छुटकारा चाहिए। याद रखिए,
जिस दिसंबर में विवादित ढांचा गिराने पर राजस्थान में हमारी सरकार गिराई गई थी, उसी दिसंबर माह में हम कांग्रेस की सरकार को उखाड़कर फेंककर भाजपा की मजबूत सरकार बनाएंगे। इसके बाद जनवरी में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला की स्थापना देखेंगे। इस सनातन विरोधी नकारा निकम्मी कांग्रेस सरकार को वोट के माध्यम से पेटी में बंद करके वापस भेज देंगे। परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि आज की ये सभा अनूठी सभा है। धर्म और संस्कृति के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तेजादशमी है, राम जयंती है और एकात्म मानववाद के संदेशवाहक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती भी है। हमारे देश ने इन 9 वर्षों में देश की तकदीर और तस्वीर को बदलते देखा है। आज हमारे ऊपर वर्षों हुकूमत करने वाले देश ब्रिटेन को पछाड़कर भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। पहले हम कहा करते थे कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम कहते हैं चंदा मामा ट्यूर के। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने आगे कहा कि प्रदेश में चारों दिशाओं से परिवर्तन संकल्प यात्रा के रूप में जो अश्वमेघ रथ रवाना हुआ था, उस यात्रा का आज समापन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। हमारी इस यात्रा को जनता ने अपार समर्थन दिया और रात के 1-1 बजे तक जनता हमारी इस यात्रा का स्वागत करने को डटी रही। जनता ने इस महिला, दलित, आदिवासी, किसान, युवा और जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महासभा को संबोधित करते हुए नारी शक्ति वंदन बिल पर एक स्वरलिखित गीत गाकर सुनाया, जिसके बोल थे, नारी को वंदन करने का मोदी ने मौका दिलाया, अटके हुए बिल को संसद में पास कराया। जो कांग्रेस आज ओबीसी की हितैषी बन रही है, उसी कांग्रेस की नेहरू सरकार के मंत्रिमंडल से 1991 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि नेहरू सरकार ओबीसी आयोग बनाने की मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। देश में पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद हमने समाज के हर वर्ग का सामाजिक और आर्थिक आधार पर सशक्तिकरण करने का वादा किया था और नारी शक्ति वंदन बिल उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में परिवर्तन संकल्प को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो चारों कोनों से यात्रा निकाली थी, इस यात्रा को सफल बनाने में भारी मेहनत करके परिवर्तन के संकल्प के साथ नई ऊर्जा का संचार किया। राजस्थान की नकारा निकम्मी कांग्रेस सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, ये महिला विरोधी सरकार, ये गरीब विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार अब जाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति से प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक विश्वास पैदा हुआ है। अब की बार के चुनाव में राजस्थान की जनता इस वर्तमान सरकार को उखाड़ कर ही दम लेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 4 महीनों में कांग्रेस को समझ में आ गया कि अब हमारी सरकार जाने वाली है। हमारी सरकार को बदलने का जनता ने मन बना लिया है। इसके बाद सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए अनेकों हथकंडे तैयार किए हैं। मुफ्त बिजली के नाम पर किसानों को गुमराह किया, लेकिन किसान बिजली नहीं मिलने के कारण खून के आंसू रो रहा है। पिछले 3 महीनों से 10 घंटे की अघोषित बिजली कटौती हो रही है। अन्नपूर्णा योजना के फूड पैकेटों ने 270 सैंपल लिए, जिसमें से 1/3 सैंपल फेल हो गए, जिन्हें सीज कर दिया गया। जैसलमेर बाड़मेर के 18,000 परिवारों को मिलावटी फूड पैकेट बांटे गए। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अलका गुर्जर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन बिल महिलाओं के लिए ऐतिहासिक बिल है। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलने के बाद महिलाओं में उत्साह और जोश है। आज बड़ी संख्या में महिलाएं पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए जयपुर पहुंची हैं। आगामी 2023 व 2024 के चुनावों में महिलाएं भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएंगी।
उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान का नौजवान सबसे ज्यादा रीट पेपर लीक से पीड़ित है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदियों के मिथिक को तोड़ते हुए गार्गी और मैत्रेय की इस धरती पर नारी शक्ति वंदन बिल पारित कराकर ऐतिहासिक कार्य किया है। राजस्थान में स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने सबसे पहले पंचायत राज में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था। आज प्रदेश के किसानों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जीत करा रहे हैं और राजस्थान में मुकाबला करीब का है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपको राजस्थान का किसान ढूंढ रहा है। 10 दिन में कर्ज माफी का वादा करने के बाद इस सरकार ने कभी किसानों की सुध नहीं ली, जिसके चलते किसानों की जमीनें नीलाम हुई और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और उसी कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत ने प्रदेश के जवान और किसान दोनों को लूटने ठगने का काम किया है। पेपर लीक के बाद प्रदेश के लाखों युवाओं की आस टूटी है। उसके बाद 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हुई। सरकार ने भ्रष्टाचार का ऐसा तांडव मचाया कि सरकार की अलमारी से ही करोड़ों की नकदी और सोना बरामद हुआ। आज इस परिवर्तन संकल्प महासभा से संकल्प लेकर जाना है कि हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और दलित, आदिवासी, गरीब और महिलाओं को कांग्रेस के इस कारगुजार से बचाना है।